लास्ट लेक्चर डिस्कस्ड अबाउट जियो मैग्नेटिज्म, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी एंड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के ऊपर वर्क करने वाले जो डिवाइसेस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके बारे में हमने कल के लेक्चर में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज जो है हमें नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म डिस्कस करना है, जो एकदम सिंपल सा छोटा सा पार्ट बचा है रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, एंड डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज एच। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी एच, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे, इन शॉर्ट में इसको बस इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन के सिमिलर टर्म होती है, बस हम इसको कंसिडर करते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इन विच a substance is placed for magnetization। अब मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या होता है वो हमें देखना है। बेसिकली जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि बेसिकली व्हेनेवर अ डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर हुआ करता था, जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते थे तो उस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस के ऊपर डाइपोल मूवमेंट्स इंड्यूस्ड होती थी, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हुआ करती थी। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमें मालूम है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, मतलब नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट होता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम दूसरे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अगर प्लेस कर देंगे तो उनमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होता है। तो ये मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होने की जो प्रोसेस है उसी को अपन मैग्नेटाइजेशन ऐसे बोलते हैं। ठीक है, थीके? तो बोर्ड पे क्या लिखा है कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने सब्सटेंस को रखा है, सो दैट उस सब्सटेंस का मैग्नेटिज्म मैग्नेटाइजेशन होना चाहिए, उस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इट इज डिनोटेड बाय, इसका नोटेशन हम टॉपिक में एच करने वाले हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन म्यू नॉट, वेयर बी इज द, क्या होता है बी का मतलब, मैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी गुड, एंड म्यू नॉट का मतलब परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो अभी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, देन मैग्नेटिक इंडक्शन है, दोनों का यूनिट आपको मालूम है, तो टेल मी यूनिट फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो बी का यूनिट क्या था, वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू वन अपॉन, क्या था, वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर, यहाँ पे वेबर कैंसिल होगा, एम्पियर इंटू मीटर ऊपर जाएगा, अपॉन मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इसके लिए एस आई यूनिट मिलेगा एम्पियर पर मीटर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये हो गई आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, अब बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक की अगेन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसको बोला जाता है एज ए मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन में देखो कोई नई कंसेप्ट हमें पढ़नी नहीं है, मैंने पहले ही बोला है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखते थे पढ़ते थे, जिसको हमने बोला था पोलराइजेशन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पोलराइजेशन हुआ करता था वो क्या था, कंसेप्ट याद है किसी को, व्हाट वाज पोलराइजेशन? यस देवप्रिया, कोमल, नेहा, बद्री, नो वन। क्या होता था कि एक इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, उसको अगर अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम याद होगी, इस तरह का इलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर हम प्लेस करते थे, इस साइड में हम पॉजिटिव चार्जेस रख देते थे, इस साइड में नेगेटिव चार्ज रख देते थे, तो इससे वजह से क्या होता था,
इस डायलेक्ट्रिक के सरफेस के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में एंड नेट पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में खुद को अलाइन करता था, मतलब चार्जेस सेपरेट होते थे, चार्जेस के सेपरेट होने से वहां पे डाइपोल इंड्यूस्ड होता था एंड इस डाइपोल के इंड्यूस्ड होने का जो भी फेनोमिनन है उस फेनोमिनन को हम बोलते थे एज ए पोलराइजेशन। वही कंसेप्ट, उसके सिमिलर कंसेप्ट हम मैग्नेट में देखने वाले हैं जिसको बोला जाता है एज ए मैग्नेटाइजेशन। अब ये मैग्नेटाइजेशन जो है इसको अपन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब इसका जो नोटेशन है फॉर द टॉपिक हम यूज करने वाले आए, तो ये मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें होता क्या है वो हमें एक्चुअली यहाँ पे देखना है। तो सेम कंसेप्ट मैंने बोला है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हुआ करता था वैसे यहाँ पे होगा। मतलब क्या होगा कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब जो पहले मैग्नेट नहीं है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड होती है। करन ओपन करन डोर दे, ये हैंडल है ना, दे खाली करा। ओके, तो क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अगर है जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख देंगे तो क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट्स। अब ये कौन सी डाइपोल मूवमेंट्स होगी, मैग्नेट की बात कर रहे तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स आर इंड्यूस्ड ऑन इट्स सरफेस। उसके सरफेस के ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड होगी एंड ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड होने का जो फेनोमिनन है उसी को अपन मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फेनोमिनन या फिर मैग्नेटिक या फिर इंड्यूस्ड बोलते हैं उसको, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था याद है आपको, वहां पे था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब डिफरेंस बस क्या हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिक के फॉर्म में डेटा हुआ करता था, यहाँ पे मैग्नेटिक के फॉर्म में। ठीक है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। उसी को अपन मैग्नेटाइजेशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका अगर हमें फॉर्मूला चाहिए तो बेसिकली इसका नोटेशन रहेगा आई और फॉर्मूला बनेगा इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइपोल मूवमेंट मतलब यम, वॉल्यूम मतलब वी, तो आई बना इक्वल्स टू यम अपॉन वी। क्लियर? यस सर। सो टेल मी यूनिट फॉर दिस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी आई के लिए यूनिट क्या होगा बोलो। वेरी गुड कोमल, करेक्ट है। क्या होगा देखो, डाइपोल मूवमेंट का यूनिट होता है एम्पीयर इनटू मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल होके ये बनेगा एम्पीयर पर मीटर। फिनिश्ड, क्लियर? तो ये हो गई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी कि होता क्या है देखो, आपने अगर घर में कहीं पे आपका स्क्रू ड्राइवर है या फिर टेस्टर है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट अगर देखे है तो उनको अगर ध्यान से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे तो छोटा सा स्क्रू या फिर नेल इधर उधर गिरा है और उस स्क्रू ड्राइवर को अगर हम नेल से टच करते हैं तो वो स्क्रू ड्राइवर नेल को अट्रैक्ट करके उठा के लेके आता है। मतलब होता क्या है कि हम जब भी ऑपरेट कर रहे हैं स्क्रू ड्राइवर से, स्क्रू फिट कर रहे हैं, तो कहीं पे कंडीशन होती है कि स्क्रू ऐसी जगह पे गिरता है जहां पे हम हाथ डाल के उसको निकाल नहीं सकते। इसलिए स्क्रू ड्राइवर मैन्युफैक्चर होने के बाद उसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मतलब मैग्नेट के ऊपर रखते हैं एंड फिर मार्केट में सेल करते हैं। तो जब हमने उसको मैग्नेट के ऊपर रखा था या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तब क्या हुआ था, मैग्नेटाइजेशन हुआ था। तो क्लियर हो रहा है मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या होता है? यस सर। ओके, यस सर। तो बेसिकली यहाँ पे हम मैग्नेटाइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेटाइजेशन के बारे में सबसे पहली जो आइडिया है हमें प्रोवाइड की थी बाय सर पेरी क्यूरी ने।
ठीक है। और ये पेरी क्यूरी ने जो बात बोली थी वो एप्लीकेबल थी ओनली फॉर पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या होगा, आगे हम उसको डिस्कस करने वाले। उससे पहले देखो, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, हमें आज ही डिस्कस करना है पैरा फेरो डाई के बारे में। उससे पहले देखो, ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है ना, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटाइजेशन, अभी क्लियर हो गया। मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उसके ऊपर मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होगा, वो फिनोमिनन बनेगा मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, उस मैग्नेट को नहीं, सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, उस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर डायपोल मूवमेंट इंड्यूस होगी। इंड्यूस डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मैग्नेटाइजेशन। एक से कंसेप्ट क्लियर होती है, एक से हमें फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सर पेरी क्यूरी, ये पेरी क्यूरी ने जो बोला था वो बात ऐसी है कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है आय, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए हम कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर ये मैग्नेटाइजेशन डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये मैग्नेटाइजेशन जो है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो प्रोपोर्शनल बन गया टू द बी एक्सटर्नल अपॉन टी, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा C इंटू बी एक्सटर्नल अपॉन T, जहां पे C का मतलब होगा कांस्टेंट। अभी क्यूरी ने लॉ बोला था इसलिए बनेगा क्यूरीज कांस्टेंट, क्यूरी ने बोला था इसलिए क्यूरीज कांस्टेंट। एंड ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसी इक्वेशन को बोला जाता है क्यूरीज लॉ, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट क्यूरीज लॉ, क्या है क्यूरीज लॉ, आई इक्वल्स टू सी इंटू बी एक्सटर्नल अपॉन टी, वेयर सी इज द क्यूरी कांस्टेंट, बी एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज टी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब देवप्रिया बस क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो केल्विन में लेना है, ठीक है। Yes, sir. बाकी जो है नॉर्मल वही कंडीशन रहेगी, बस उसको डिग्री सेल्सियस की जगह पे केल्विन में लेंगे तो हमारे लिए यहाँ पे वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बन गया, ओके? Yes, sir. तो ये क्यूरीज लॉ हो गया, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, देन क्यूरीज कांस्टेंट भी हमें मिल गया, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखनी है, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सिमिलर कंसेप्ट देख चुके हैं। आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है तो वहां पे हमने पोलराइजेशन से रिलेटेड ये फॉर्मूला लिखा था, देखो polarization is given by P is equals to chi into E, याद है? Yes, नहीं याद है तो लिख दिया, ठीक है। जिसमें chi E का मतलब क्या था, electric susceptibility, very good, electrical susceptibility, electrical susceptibility, ये chi था, ये उसका मतलब क्या है, उसके मीनिंग हो गई, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है susceptibility का मतलब, ability of the man substance to get polarized, हाँ, very good। उसी तरह की concept हम magnetics में भी देखने वाले हैं, तो वहां पे electrical susceptibility थी, यहाँ पे आके वो बनेगी magnetic susceptibility, magnetic susceptibility। अब इसका notation जो है वो काई रहेगा, बस suffix में e की जगह पे m आएगा, magnetic susceptibility, ठीक है। तो इसको define कैसे करेंगे, ability of the material to get magnetized, very good, ability of the material to get magnetized। अब बेसिकली क्या होता है, ये हर एक मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है कि उसको अपन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने वाले हैं तो वो कितना मैग्नेटाइज होने के लिए अलाउ करेगा। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं कि हर एक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी अलग थी कि उसका कितना पोलराइजेशन होगा, वही कंसेप्ट यहाँ पे, मतलब फिरो पैरा डाई ये तीनों केसेस में जो भी मटेरियल हम प्लेस कर रहे हैं, मटेरियल टू मटेरियल उनकी मैग्नेटाइज होने की जो एबिलिटी है वो चेंज होती है, ठीक है। तो ये मटेरियल के लिए कांस्टेंट बनता है, इट इज डिनोटेड बाय काय एम एंड इट इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला होता है आई बाय एच। मतलब गिवन मटेरियल के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, गिवन मटेरियल के लिए आई बाय एच इनका रेशियो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है।
अब I by H का रेशियो मतलब क्या है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। देखो H मतलब फील्ड है जो मैग्नेटाइजेशन करने वाली है, इंटेंसिटी मतलब जो मैग्नेटाइजेशन होने वाला है, मतलब जितना होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, ये कॉन्स्टेंट है एंड उसी को अपन यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोल रहे हैं। क्लियर? यस सर। चलो टेल मी एस यूनिट फॉर दिस। नो यूनिट। नो यूनिट व्हाई? बिकॉज रेशियो ऑफ जो क्वांटिटीज अपन ले रहे हैं उनका यूनिट सेम है, आई का भी एम्पियर मीटर, एच का भी एम्पियर मीटर। ठीक है, और एक बात मैं पहले बोलना भूल गया, उसको ऐड कर दो। अगर आपको ये एच करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूस कर रही है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एन इंटू आई लेते हैं, जहां पे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एंड आई का मतलब करंट, मतलब अगर मैग्नेट दे रहा है तो एच कैलकुलेट करने के लिए हमें एच डायरेक्ट मिलता है या फिर पहले उसका फॉर्मूला हमने देखा है। ठीक है, लेकिन अगर करंट कैरिंग लूप प्रोड्यूस कर रहा है तो वहां पे हमें एच इक्वल्स टू क्या करना है, एनआई यूज करना है। ओके, यस सर। चलो तो अब बेसिकली यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, देखो कि हमें मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमने पढ़ी है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमेबिलिटी, उनका रिलेशन भी हो गया है एंड ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बोला था, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड म्यू। याद है क्या था रिलेशन, बी इज इक्वल्स टू क्या बोला था, म्यू इंटू एच। यस और नो, क्या होता है इनके बिटवीन रिलेशन, बी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले आज आपको दिख रहे हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, 101% हर एक एग्जाम में इनसे रिलेटेड कंफर्म कंपलसरी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड और एक फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिलने वाला है, यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मूले मिलेंगे, वो आप ध्यान से प्रिपेयर करेंगे। आज मैं वर्कशीट भी दूंगा, टेस्ट भी होगी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिज्म में मेनी टाइम्स क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है। क्या है, देखो कि बेसिकली हमने एज्यूम किया है कि कोई भी एक करंट कैरिंग लूप है, जैसे कि एक टोराइड की केस ले लेते, करंट कैरिंग लूप है, इसमें से फ्लो हो रहा है करंट। अब इसमें से अगर करंट फ्लो होगा तो करंट के फ्लो होने से सेंटर में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी। यस सर। उसको अपन बी ओ बोलेंगे एंड ये बी ओ इक्वल्स टू होती है म्यू नॉट इंटू एन आई। क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एन आई। लेकिन अगर मैंने सेंटर में अब जाके एखादा आयन का या फिर कोई भी मटेरियल रख दिया जिसका हमें मैग्नेटाइजेशन करना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक्ट होने की वजह से उसके ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन फिर से प्रोड्यूस होगा एंड वहां पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आयन। कौन होगा, ये मैग्नेटाइजेशन होगा ना। हाँ, आयन, आयन के ऊपर होगा लेकिन किसकी वजह से, मैग्नेटाइजेशन की वजह से। ठीक है, यानी ये बीएम बनेगा म्यू नॉट इंटू आई, बीएम कितना बनेगा म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर है दोनों को मैग्नेटिक इंडक्शन। अब अगर हमें इस आयन के ऊपर एक्ट होने वाला नेट मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए तो वो बनेगा बीओ प्लस बीएम। अब इनकी एडिशन करनी है, उससे पहले मैंने एनआई का एक फॉर्मूला अभी स्टार मार करके लिख के दिया था। क्या होता है एनआई, मतलब H equals to ni, वो अगर पुट करेंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई इज इक्वल्स टू बी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से म्यू नॉट कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कौन बचा, आई प्लस एच या फिर एच प्लस आई। अगर मुझे यहाँ पे ये म्यू नॉट इधर लेके आना है तो ये बी अपॉन या फिर बी इज इक्वल्स टू ये म्यू नॉट एज इट इज है। इस ब्रैकेट में से अगर मैंने एच को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, वन प्लस I by H. देखो ध्यान से, तीनों स्टेप में मैंने क्या किया, सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है, कोई भी एडिशनल कंसेप्ट वहां पे हमने यूज नहीं किया है। क्लियर? अब मैं नेक्स्ट स्टेप में बस ये H को इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा B अपॉन H और ये B अपॉन H इक्वल्स टू बनेगा म्यू नॉट इन ब्रैकेट I by H। है क्लियर सबको? यस सर। ओ सर, अब ये B by H को हमने पहले यहाँ पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोला है, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, मतलब ये B by H को रिप्लेस करके मैं म्यू लिख सकता हूँ। यस सर। ये म्यू नॉट तो एज इट इज है,
अब मुझे बोलो वन प्लस ये आई बाय एच के रेशियो को हमने क्या बोला था, अभी बोला था पांच मिनट पहले, व्हाट वाज आई बाय एच? एक्सएम। वेरी गुड, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और टॉपिक के पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि वन प्लस काय एम इसको क्या बोलना है, म्यू आर, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू के लिए एक्सप्रेशन मिल गया हमें, म्यू नॉट इनटू म्यू आर। ये भी हमने पहले लेक्चर में देखा था, बट एक्चुअल में अभी स्टेप बाय स्टेप आ गया कि ये आता कहाँ से। ठीक है, चलो बोर्ड पे जितने सारे फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सब क्लियर है, सब लर्न करने हैं, उसके ऊपर के जितने भी सॉल्व क्वेश्चन मॉड्यूल में है कम है वैसे, उनको सॉल्व करना है, मैं सेपरेट वर्कशीट दूंगा वो भी कंप्लीट करनी है, टेस्ट दूंगा, देते नहीं आप टेस्ट, ठीक है, लेकिन मैं मेरा काम कर लूंगा, अपलोड करूंगा, जिनको पॉसिबल है देना दे दो। ठीक है, और फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? यस सर। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ मटेरियल based on its magnetic properties, types of material based on its magnetic properties। मतलब जैसे हम electrical conductivity से related materials को divide करते थे into three parts, कौन से conductors, insulators, semiconductors and semiconductors। ठीक है, based on its electrical conductivity, उसी तरह से हम यहाँ पे भी क्या करने वाले है, materials को तीन part में divide करने वाले है, और उनमें रहेगा पहले पैरामैग्नेटिक, उसके बाद में आएगा डायमैग्नेटिक, एंड एट द एंड होगा फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, जो इसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर होते हैं, वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पैरा, डाई एंड फेरो मैग्नेटिक, 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 ऐसे मटेरियल होते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे वन बाय वन इनका कंपैरिजन करके हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सारा इंट्रोडक्शन आपको मॉड्यूल में भी प्रिंट करके दिया है, आपको वहां से भी लर्न करना है, प्रिपेयर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पैरा, फेरो एंड डाई, इन तीनों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पैरा का मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस विच आर attracted weakly by magnet or magnetic field। ये basic condition है। ठीक है, paramagnetic substance होगा तो वो attract होगा, लेकिन उसका attraction कैसे रहेगा, एकदम weak रहेगा। उसके against अगर बात diamagnetic की है तो उसमें क्या लिखेंगे, the substance which are repelled weakly by magnetic field, by magnetic field, वो बनेगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड फेरो का मतलब क्या होगा, द सब्सटेंस विच आर strongly attracted, very good, strongly attracted by magnet or magnetic field। ठीक है, ये इनका बेसिक डिफरेंशिएशन है, बाकी जो प्रॉपर्टीज है उनको तो अपन पढ़ ही लेंगे, लेकिन इसको समझ लो, इसको प्रिपेयर करना है। पैरा मतलब अट्रैक्ट होगा, डाय मतलब बाय कर रहा है, मतलब वो दूर जाएगा, मतलब रिपेल होगा, फेरो मतलब हीरो, एंड हीरो मतलब वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक का मतलब द मटेरियल्स व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक मतलब रिपेल वीकली मैग्नेटिक फील्ड, फेरोमैग्नेटिक मतलब अट्रैक्टेड स्ट्रांगली। देखो फेरो मतलब हीरो, हीरो मतलब स्ट्रांग, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, पैरा है मतलब अट्रैक्ट करेगा, डाय मतलब बाय मतलब वो रिपेल करेगा, खत्म। क्लियर? यस सर। चलो अब ये होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट,
सिंपल सिंपल से पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट मैं लिख के दे रहा हूं, बाकी मॉड्यूल में है, कि यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसका जो मैग्नेटाइजेशन होने वाला है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे डायमैग्नेट की केस में इसका टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, मतलब ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। एंड ये फेरोमैग्नेटिक की केस में जो है वो डिपेंडेंसी होती है, इस तरह से हमें वो डिपेंडेंसी मिलती है, मतलब डायरेक्टली इनवर्सली ऐसे कुछ बोल नहीं सकते, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो ससेप्टिबिलिटी है वो वैरी होती है। यहाँ पे काय का मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सी इज द क्यूरीज कॉन्स्टेंट, क्यूरीज कॉन्स्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर एंड टीसी का मतलब टेम्परेचर क्यूरीज, टेम्परेचर क्यूरीज नहीं, क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है, अभी क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक कंपैरिजन वाले पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? यस सर। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव एंड स्मॉल होती है, स्मॉल मतलब लेस देन यूनिटी होती है। ठीक है, उसके बाद में इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये जो काम है ये निगेटिव होती है एंड स्मॉल होती है, बट इन केस ऑफ फेरो काम जो है वो पॉजिटिव है एंड वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, अब बेसिकली रिलेशन क्या होता है, देखो म्यू आर का फॉर्मूला है म्यू आर इक्वल्स टू वन प्लस काय, तो अगर ये काय पॉजिटिव है पैरा की केस में तो मैं यहां पे लिखूंगा ये जो म्यू आर है ये क्या बनेगा, स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी। समझ में आ रहा है ना, ये काय पॉजिटिव होने की वजह से वन में कुछ नंबर ऐड हो रहा है इसलिए म्यू आर क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर यहाँ पे, सॉरी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन यूनिटी है, यहाँ पे क्या होगा म्यू आर, बोलो ये यूनिटी से थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेस देन यूनिटी बनेगा, क्यों, क्योंकि काम अगर निगेटिव है तो वन में से ये नंबर छोटा सा मतलब थोड़ा सा कम हो रहा है तो ये यूनिटी से वन से लेस आएगा, यहाँ पे क्या होगा रिलेटिव परमेबिलिटी जो है म्यू आर वेरी लार्ज होने की वजह से उसमें वन ऐड हो रहा है, मतलब ये भी क्या होगा वेरी लार्ज होगा। ठीक है, क्लियर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड उनका डिफरेंशिएशन पैरा फेरो एंड डाई। अब इसके बाद में और कुछ बातें आती है जिसको अपन थ्योरेटिकल बातें भी बोल सकते हैं, तो उसमें कंडीशन क्या होती है, देखो जैसे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, आपको बोला गया है कि एक गैस है और वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का है, अब ये मॉड्यूल में दिया है मैं बस लिख के नहीं देने वाला, मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आपको बोला है कि वो गैस अपन एक ट्यूब में से पास हो रहा है, पास कर रहे हैं, तो अगर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, वो जो गैस है खुद को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में ओरिएंट करेगा। अगर वही बात डायमैग्नेटिक के लिए हम कर रहे हैं तो वही गैस डायमैग्नेटिक अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, एंड वही केस अगर फेरोमैग्नेटिक की है तो वहां पे अगेन वो क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा, क्योंकि पैरा में भी अट्रैक्शन होता है फेरो में भी अट्रैक्शन होता है। क्लियर, यस सर। अब उसके बाद में एक मटेरियल है जो पैरामैग्नेटिक है तो उसको अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक मटेरियल ये क्या करेगा, वीक पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट तक मूव होगा, उसके अगेंस्ट अगर डायमैग्नेटिक रहेगा तो ये क्या करेगा, रिपेल हो रहा है इसलिए स्ट्रॉन्ग से लेके वीक तक जाएगा, एंड फेरो अगर है तो फेरो हीरो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा, वेरी गुड, मतलब इट विल मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट। ठीक है, अब अगर आपको बोला है कि ऐसी यू ट्यूब है, यू शेप ट्यूब, हाँ अभी यू ट्यूब में हमने लिक्विड फिल किया है, अब अगर ये लिक्विड फिल करने के बाद ऊपर एक साइड में हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो अगर ये लिक्विड पैरामैग्नेटिक का होगा तो लिक्विड की लेवल क्या करेगी, राइज करेगी, ऊपर आएगी, अट्रैक्शन होगा ना, इंक्रीज। उसके बाद अगर ये डायमैग्नेटिक का होता तो डिप्रेस होता, कम होता, लोअर होती। ठीक है, एंड फेरो है तो हायर, वेरी गुड, अगेन ये
ऊपर आती मतलब राइज करती, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट सब्सटेंस के कंपैरिजन होते हैं। नेक्स्ट बात आती है इनके एग्जांपल्स की। तो देखो जितने ईएम होते हैं, एल्यूमिनियम, प्लैटिनियम, रूबिडियम, ये ईएम जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल्स है। उसके बाद में जो कॉस्टली महागड़े महागड़े एलिमेंट्स है जैसे गोल्ड है, देन सिल्वर है, मर्क्यूरी है, तो वो सारे डायमैग्नेटिक होते हैं। एंड ये जो फेरो है मतलब हीरो है, वो गिने चुने होते हैं, जैसे कि आयन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोशियम एंड देयर अलॉयज। कौन कौन है हीरो? आयन, निकेल, पहले आयन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम एंड डिस्प्रोशियम। कौन कौन? आयन, आयन, निकेल, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोशियम एंड देयर अलॉयज। दीज आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये बात अपन पहले भी कर चुके कि इतने सारे मटेरियल से जो बस मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करते स्ट्रांगली, यहाँ पे हमने लिखा तो है अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन ये इतना वीकली करते हैं कि उसको अपन कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकल केस है इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बेसिक बात आती है कि ऐसा क्यों, उसका रीजन क्या है। एंड इससे रिलेटेड मैंने बहुत दिनों पहले आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर हर एक मैटर एटम से बना है, हर एक एटम अगर कंटिन्यूसली सराउंडिंग के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो नेचर में ये जो हीरो थे आयन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोशियम, यही मैग्नेटिज्म की में इन्वॉल्व क्यों होते, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड क्यों देते, बाकी के क्यों नहीं देते। तो उसका रीजन हमें इस डिफ्रेंशिएशन के बाद में क्लियर होता है कि होता क्या है कि ये पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, हाँ, मोल्टन आयन से त्याच्यामुळे मॅग्नेटिक फील्ड कडे प्रोड्यूस करतात। मोल्टन कुठून आले आता मध्येच? ते अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये होतो बेटा, मोल्टन मेटल्स कोरच्या सराउंडिंगला, ठीक आहे। देखो यहाँ पे सिंपल कंडीशन है। अब ये पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको केमिस्ट्री में उस तरीके से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हमें पेयर्ड अनपेयर्ड से लेना देना नहीं है, हम उसको अपने तरीके से अपने कंसेप्ट में जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि इनकी खुद की मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पहले से होती है, लेकिन इनका रैंडम ओरिएंटेशन होने की वजह से वो नेट इफेक्ट कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करती है, इसलिए इनको पहले खुद मैग्नेटिज्म का एक्सपीरियंस आता ही नहीं है। ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इनकी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फिगुरेशन की वजह से इनकी खुद की डायपोल मूवमेंट होती ही नहीं है। फिर जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल अपनी डायपोल मूवमेंट बनाते हैं, लेकिन बनाते किस डायरेक्शन में, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स, वो एक डायरेक्शन में अलाइन होती है। तो उनका एक डायरेक्शन में अलाइन होने से क्या होगा कि इनके सरफेस के ऊपर पहले मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, उसको अगर अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो सारी की सारी मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन होगी, इसलिए ये स्ट्रांग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेंगे एंड मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेंगे। और इसीलिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसे डोमेन स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। डोमेन, डोमेन आप मॉडल में रीड करेंगे तो ये वर्ड आपको मिलेगा, डोमेन। क्या होता है डोमेन? मतलब हम एक ग्रुप लेते हैं ऐसी मैग्नेटिक मूवमेंट्स का जिनकी डायरेक्शन सेम है, उसको अपन डोमेन बोलते हैं। मतलब एक डोमेन की जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होगी उनकी डायरेक्शन सेम रहेगी, बस इतना ही। और इसीलिए जो भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने हैं या फिर परमानेंट मैग्नेट बनाने हैं, उनके लिए हम सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं, पैरा एंड डाई, डीआई बसेस, ठीक है। यस सर। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिए, इसके साथ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए जो मैंने ओरली एक्सप्लेन किए, एंड ये सारी बातें मॉड्यूल में ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में आपको दी है। तो आज का लेक्चर के बाद आप सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इससे पहले जो फॉर्मूले हुए थे मैग्नेटाइजेशन के वो, एंड ये टेबल का जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है इसके ऊपर करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। इससे रिलेटेड बस एक लास्ट पॉइंट है, पॉइंट मतलब वो ग्राफ ही है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हिस्टरेसिस। अभी हिस्टरेसिस मतलब क्या होता है? सिंपल एक फेनोमिनन है, एक कंडीशन है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, बस उसको ग्राफिकली प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। देखो बेसिकली हमने देखा कि कोई भी एक मटेरियल है
उस मटेरियल को हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस मटेरियल के सरफेस के ऊपर क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन. वेरी गुड. मैग्नेटाइजेशन होता है, मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है, बराबर? Yes, तो sir. हम क्या करेंगे कि उस फेनोमिनन को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे. अब यहाँ पे ग्राफ शुरू होगा सेंटर से, जिसको अपन ओ बोल रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, देखो कि हम यहाँ पे एक्स एंड वाई दो एक्सिस कंसिडर करेंगे एंड एक्स एक्सिस के अलोंग हम एच को प्लॉट करने वाले हैं. अब एच का मतलब फील्ड की इंटेंसिटी, जिसमें सब्सटेंस प्लेस करके उसका मैग्नेटाइजेशन होने वाला है, ठीक है. देन ये बी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से जो इंडक्शन प्रोड्यूस होता है वो बी है. इसको अपन आई भी कंसीडर कर सकते हैं, बी और आई. क्लियर? यस सर. अब स्टार्ट में क्या होगा, देखो जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ये एच की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एच की वैल्यू बढ़ाने से ये B या फिर I ये भी बढ़ेगा और ये हमें इस तरह से बढ़ता हुआ मिलेगा और ये पॉइंट हमें मिल जाएगा एज ए E. लेकिन A के बियॉन्ड अगर हम H को बढ़ाने के लिए जाएंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड वहां पे इंक्रीज नहीं होगी, ये सिर्फ A तक इंक्रीज होगी. क्लियर सबको? यस सर. उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि ये जो H हमने बढ़ाई थी फर्स्ट स्टेप में, मतलब O से लेके A तक हमने H की वैल्यू को क्या किया था, इंक्रीज किया था. कहा से कहा तक? फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू. उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो I की वैल्यू थी या फिर B अपन उसको बोल सकते हैं, वो भी इंक्रीज हो गया. कहा से कहा तक? जीरो से लेके मैक्सिमम तक, वो ग्राफिकली मैंने प्लॉट किया है. क्लियर? यस सर. उसके बाद में क्या होगा कि हमें मालूम हो गया इसका इतना मैग्नेटाइजेशन होता है, बात खत्म, एक्सपेरिमेंट बंद करना है. इसलिए हम क्या करेंगे, ये H की वैल्यू जो बढ़ाई थी उसको फिर से जीरो पे लेके आएंगे. मतलब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ करने वाला हूँ A से लेके B, और ये A से लेके B के टाइम मैंने H को क्या किया, फिर से डिक्रीज हो गया. वेरी गुड. डिक्रीज किया कहा से कहा तक? M से मैक्सिमम टू जीरो. तो उसकी वजह से I का भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. कहा से कहा तक? मैक्सिमम टू ओ से. मैक्सिमम टू जीरो नहीं कळालं सर, उलटा असं आपल्याला वाटत होतं, बट प्रॅक्टिकली क्या होता है कि हम एच को तो झिरो बनाते हैं, लेकिन ये ए जो है वो झिरो बनने की बजाय इस पॉइंट तक ही आता है, बी तक ही आता है. तो इसे हमें लिखना पड़ेगा मैक्सिमम टू बी. मतलब हमें एक्सपेक्टेड था कि पूरी की पूरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाल लेंगे तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो बननी चाहिए, लेकिन वो बनी नहीं रही है, वो बी तक आ गया. तो ओ से लेके बी तक, ओ से लेके बी तक का ये जो कर्व है, ओ से लेके बी तक ये जो आपको ग्राफ के ऊपर दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म. यानी कि रिटेंटिविटी, यानी कि रिमेनेंस. समझ में आ रहा है का? क्या लिखा है ये सारे वर्ड्स की मीनिंग? मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, मैग्नेटाइजेशन हो गया. मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी, मैग्नेटाइजेशन भी रिमूव हो गया, ऐसे हमें लगता था. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे रहता है. मतलब ये रिमेन हो गया वहां पे, रिमेन हो गया मतलब वो रिमेनेंस बन गया, रिटेन हो गया, इसलिए वो बन गई रिटेंटिविटी, एंड जिसको अपन रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म ऐसे भी बोल सकते. क्लियर? यस सर. यही वर्ड बस इंपॉर्टेंट है इस ग्राफ में, लूप में, बाकी कुछ नहीं खास इसमें. आपको ये वर्ड से रिलेटेड डेटा पूछा जाएगा तो आपको ये वर्ड्स क्लियर होने चाहिए. अब अगर मुझे ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को जीरो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करना पड़ेगा. मतलब बी से लेके सी तक ये एच जो है अब निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ गया, और उसकी वजह से आई की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो. तो ये I मतलब मैग्नेटाइजेशन जीरो बनाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में
हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी उसको बोला जाता है एज ए कोर्सिविटी। वेरी गुड, कोर्सिविटी। बस ये वर्ड की मीनिंग आपको मालूम होनी चाहिए, रिटेंटिविटी मतलब क्या, कोर्सिविटी मतलब क्या, खत्म। इतना ही एक्सप्लेन करना है मुझे इस ग्राफ से। फिर अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे इनको, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद क्या होगा, अगेन ये मैग्नेटाइजेशन यहां तक बढ़ेगा डी तक, फिर हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो ये फिर से यहां तक आएगा ई तक, उसके बाद फिर से जीरो बनाने के लिए हम इसको एफ पे लेके आएंगे, एंड अगेन अगर बढ़ाएंगे तो ये ए के ऊपर आएगा, और इस तरह से ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है ये पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। ये अपने ओरिजिनल पोजिशन पे कभी वापस नहीं आएगा, मतलब हर बार उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होने के बाद वो परमानेंटली रहने वाला है। क्लियर? यस सर। तो ये जो आपको ग्राफ या फिर लूप दिख रहा है, इसी लूप को बोला जाता है हिस्टेरेसिस लूप। क्या बोला जाता है? हिस्टेरेसिस लूप या फिर डायरेक्टली हिस्टेरेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्राफ का अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया कैलकुलेट करने के बाद हमें मालूम होगा कि इस पर्टिकुलर केस में जो एनर्जी लॉस हुई थी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एक साइकिल में कितनी एनर्जी लॉस हुई थी, वो हम इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो इससे कोई हमें कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चंस आते नहीं है, बस ये थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक हो गया। ओके, यस सर। अब यहाँ पे बस दो केसेस है जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं, कुछ होते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, कुछ होते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, इनमें डिफरेंस क्या होगा? असं दाबून बघितलं की सॉफ्ट होता आणि हार्ड होता, याच्यावरून ठरवणार, ठीक आहे। इसमें क्या होगा कि जिसके लिए रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी एंड हिस्टेरेसिस लॉस तीनों भी अगर कम है तो वो बनेगा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अगर रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी एंड हिस्टेरेसिस लॉस अगर लार्ज है, बहुत बड़ा है, ग्रेटर है, तो वो बनेगा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर? यस सर। तो ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, हम उनको यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, एंड जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है हम उनको यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। सो इसके साथ मैग्नेटिज्म का डिस्कशन भी कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, 12th एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट के सबसे इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आज आपको वर्कशीट भी दूंगा मैं मॉड्यूल में से भी, कंसेप्ट एप्लीकेशन 5 तक के जितने सॉल्व अनसॉल्व एग्जांपल्स है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, सारे के सारे सॉल्व करना है आपको टिल संडे। देन वर्कशीट में प्रोवाइड करूंगा कल, यानी टुमारो टेस्ट होगी बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म ओनली, पूरा मैग्नेटिज्म होगा उसके ऊपर टेस्ट रहेगी। आप देते नहीं है फिर भी मैं टेस्ट अरेंज करूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड साइमल्टेनियसली फ्रॉम टुमारो वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट extremely important topic from same section, that is electromagnetic induction. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।